हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज दैट सुधा फाइंड्स आउट द शार्प इमेज ऑफ द विंडो पेन ऑफ हर साइंस लेबोरेटरी इज फॉर्मड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सी नाउ ट्राइज टू फोकस द बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड द विंडो इंस्टेड ऑफ विंडो पेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस। इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग? वॉट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस? तो हमारे इस क्वेश्चन में पहले क्या बोला जा रहा है, हम उसे समझते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लेंस रखा हुआ है, मान लेते हैं हम ये हमारा लेंस है और ये हमारा एक स्क्रीन है। हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि जो एक विंडो पेन है यानी जो विंडो है उसका जो इमेज आ रहा है इस लेंस से इस स्क्रीन पर, वो पहले ये सुधा देख रही है अपने साइंस लेबोरेटरी में, और ये जो स्क्रीन है ये इससे 15 सेंटीमीटर की दूर पे है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये विंडो है इसके बाहर जो बिल्डिंग है उसका इमेज अगर हम लोग को इस स्क्रीन पर लाना है तो बिना डिस्टर्ब किए इस लेंस को, सिर्फ हम लोग को ये स्क्रीन मूव करके कैसे इसके इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ला सकते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? इसको हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे या अपने स्क्रीन को हम बैकवर्ड मूव करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। दैट विल बी एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स द लेंस the image move away from the lens. And vice versa. इसका क्या मतलब है? हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी जो इमेज है पहले वो यहाँ पर बन रही है, अब इसे हम पास लाते हैं, हम यहाँ पर लेते आ रहे हैं तो उसकी इमेज अब यहाँ पर बन रही है, और पास लेते आ रहे हैं तो इमेज अब उसकी और दूर बन रही है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लेंस के जितने पास लाएंगे तो उसकी इमेज उतनी दूर बनती जाएगी। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस के केस में होता है, कन्वेक्स लेंस के केस में ये चीज़ होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस कैसे यूज़ हो रहा है ये हमें अपने पहले स्टेटमेंट से ही पता चल जा रहा है कि हमारा जो इमेज बन रहा है स्क्रीन पर बन रहा है और स्क्रीन पर इमेज बन रहा है इसी वजह से ये कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि हमारा जो कनकेव लेंस है उसमें तो इमेज हमारा स्क्रीन पर फॉर्म ही नहीं होता, ठीक है। तो पहले जो हमारा ये विंडो था उसका ये इमेज बन रहा था स्क्रीन पर, अब क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दूर जा रहा है तो हमारा इमेज भी जो है वो नज़दीक आएगा लेंस के, जो हमारा ये वाइस वर्सा कंडीशन है उसी से हमें ये पता चल गया। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट जो पहले था विंडो वो अब चेंज हो गया है बिल्डिंग में, यानी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दूर गया है तो हमारा जो इमेज आएगा वो भी नज़दीक आ जाएगा, यानी इसको हम लोग को फॉरवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा ना कि बैकवर्ड। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट सुधा शुड मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स द लेंस। और क्योंकि ये जो विंडो है हमारा जो कि लेंस से अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो ये बहुत दूर डिस्टेंस पर है इस छोटे से लेंस के लिए, तो ये इसके लिए अप्रॉक्स इनफिनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है और वो उसका इमेज बना रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है? मान लेते ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये इन्फिनिटी से लाइट्स आ रही हैं, तो ये जब फोकस होती हैं तो ये एक पॉइंट पर मीट करती हैं जो कि हमारा फोकस रहता है, यानी ये डिस्टेंस हम लोग को इस क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 15 सेंटीमीटर, यानी ये 15 सेंटीमीटर कुछ और नहीं, ये अप्रोक्सीमेट लेंथ दिया हुआ है हमारे फोकल लेंथ का, यानी हमारा जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। होप यू गॉट दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।